बहुत सारा स्टॉक तो चला ही गया है, अब हमारे पास लिमिटेड रह गया। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूयम डालमिया। आई होप आप सभी लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव में, वेलकम एवरीवन। राखी की तो हमने बात कर ली ना लास्ट वीडियो में, राखी में बात हुई है और इसमें कुछ कुछ एडिशंस में जैसे ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लाइव को। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और लास्ट लाइव में, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जेन्युइन कॉल्स के लिए मैं बोलती हूँ हमेशा हम लोग अटेंड करते हैं। और आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से हमारी जो क्रिस्टल राखी हैं, सभी लोग मतलब एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मोस्टली जो घर हैं वहाँ पे हमारी इस बार राखी पहनाई जाएंगी, चाहे वो आपके रिलेशन में आपके ब्रदर हो, भाभी हो, भाई हो, हर एक के लिए। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम अभी कुछ राखी आई थी, इस बार थोड़ा सा कुछ नया भी हमने इसमें एडिशन किया है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात कर लेती हूँ। थोड़ा सा जिन लोगों ने पहले नहीं देखा है वीडियो, वो भी हमें बाद में देख सकते हैं हमारे वीडियो को। अगर आप फेसबुक पेज पर देखना चाहते हैं तो डालमिया पोयम या पोयम डालमिया के नाम से आप वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब पर भी है और इंस्टा पर जो लोग देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू। लेकिन बाद में अगर जो लोग देखना चाहते हैं वीडियो को या हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो डालमिया पोयम आप टाइप करेंगे तो, वैसे लिंक तो दिया ही होगा ना उसमें, हाँ तो लिंक भी दिया ही हुआ है, तो आप वहाँ पर भी जाके हम लोगों के और भी रिलेटेड वीडियोस जो कि फेस्टिवल से रिलेटेड हैं, क्योंकि राखी है तो ऑब्वियसली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन राखी के साथ क्या क्या अच्छे आप एड ऑन कर सकते हैं थोड़ा सा आज मैं उसके बारे में भी बात करूँगी, तो आप बाद में भी देख सकते हैं वीडियो। और क्रिस्टल राखी, देखिए क्रिस्टल्स मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ। ये जो मैंने अभी इतना ब्यूटीफुली गणेशा भी पहना हुआ है, तो ये कुछ इसमें क्रिस्टल को ऐड भी किया है साथ में, रूबी, मतलब जो स्टोन्स है ना, स्टोन्स आपको हेल्प करते हैं। तो क्रिस्टल मैं हमेशा बहुत सारे पहनती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं क्रिस्टल से। और आप देख सकते हैं अलग अलग क्रिस्टल मैं पहनती हूँ, एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ, और जिसका फ़ायदा होता है वो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। इतने सारे क्रिस्टल मैंने खुद भी पहने हुए हैं और बहुत ही मतलब आपको एनर्जेटिक लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि क्रिस्टल कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी बैलेंसिंग करने में हेल्प करते हैं। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि तीन चार प्रोडक्ट के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे और भी है कि जब आप वीडियो देखें, तो अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाएं, क्योंकि अभी जो हमने प्लान किया था वो ये था कि वर्कशॉप करेंगे हम नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, अलग अलग फेस्टिवल आ रहे हैं इतने अच्छे अच्छे, जैसे अभी तो भोले बाबा का चल रहा है, ये जो सावन का टाइम चल रहा है, दशहरा है, दिवाली है, तो हम क्या करते हैं पूरे दिन बहुत सारा काम करते रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ में इन्वॉल्व रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में सोशल सर्कल भी होता है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, वो थोड़ा सा अपने ना कर्मा को भी बैलेंस करना स्टार्ट करें। तो आपकी जो कार्मिक बैलेंसिंग है वो एक स्पिरिचुअल, अगर आप किसी भी वे में आप अपने आप को लेकर चलते हैं तो वो आपके कर्मा भी बैलेंस होते हैं। तो स्पिरिचुअली हमें इंक्लाइंड होना चाहिए। हाँ, तो नेक्स्ट हमने वही मुझे आइडिया दिया था हर्ष ने, क्योंकि मेरे साथ ऑफिस में ही है ये। और अच्छे अच्छे देखिए आइडिया आप लोग भी देंगे तो अच्छा लगेगा। तो मुझे लगा वर्कशॉप भी करनी चाहिए, क्योंकि मेरी वर्कशॉप से भी लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, साथ ही ये वर्कशॉप मैं उन लोगों के लिए भी कर रही हूँ
कि जिनको मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि अब जैसे डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक मिनट में बता देती हूँ कि वर्कशॉप जैसे हमारी 3-4 रहेंगी, जैसे रिचुअल ऑयल या फिर आप सॉल्ट देखते हैं आजकल मार्केट में बहुत सारे सॉल्ट अवेलेबल हैं, जैसे मनी सॉल्ट और सक्सेस सॉल्ट, बिजनेस सॉल्ट, प्रोटेक्शन सॉल्ट, ब्लेसिंग सॉल्ट, हीलिंग सॉल्ट। तो ऐसे ही 21 कैटेगरी सॉल्ट जो मेरी वर्कशॉप है मैंने उसमें किया हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर मुझे किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, पहले तो नॉमिनल चार्जेस हैं मेरी वर्कशॉप के, 8 या 10 दिन की ये वर्कशॉप रहती है, आपको प्रॉपर ऑडियो मिलेंगे और इसके रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो मिलेगा, प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा जो हमारा साइंस दैट हील्स ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग सेंटर है उसके नाम से। वर्कशॉप मैं खुद सिखाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं पर्सनली आप लोगों को टीच करूँ जो मेरी नॉलेज है, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखने के लिए मिलता है। तो अब क्या होता है कि वर्कशॉप में जो भी मैं आपसे कंटेंट शेयर कर रही हूँ ना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर आप आगे 10 या 20 लोगों को और सिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे जो मेरा एनर्जी एक्सचेंज था वो ले लिया। बहुत सारे जो हीलर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो ना स्पेशल नोट में लिख देते हैं, अगर वो लोग भी देख रहे होंगे तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ऐसे हमें करना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए सही नॉलेज जो होती है वो हम चाहते हैं मल्टीपल होती रहे, है ना। मुझसे मैंने आपसे कुछ सीखा या आपने मुझसे कुछ सीखा तो आप 10 लोगों को सिखाएं, फिर वो आगे सिखाएं, फिर वो आगे सिखाएं, इसी को हम बोलते हैं कि ये सही तरीके की बैलेंसिंग है। लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं या जिन्होंने बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया है हमारे इस स्पिरिचुअल फील्ड को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरी वर्कशॉप में कुछ मुझसे सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि मेरे कर्मा को मैं और अच्छा करूं, मैं चाहूंगी कि आप भी आगे 10 लोगों को सिखाएं। अब जो रिचुअल सॉल्ट हैं, अभी मैं उसी वर्कशॉप की बात कर रही हूं जो कि नेक्स्ट मंथ से है हमारी, 10 दिन की वर्कशॉप रहेगी और फिर उसके अगले 10 दिन में फिर हमारी मैजिकल सॉल्ट की रहेगी जिसमें 20-21 मैजिकल सॉल्ट होंगे। तो अब क्या है कि आप सीखिए, आप आगे सिखाइए। और सॉल्ट जब हम मार्केट में खरीद रहे हैं तो 600 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, क्योंकि फॉरनर्स भी बहुत बिलीव करते हैं, हमारा जो हिंदू कल्चर है या हमारे देवी देवता हैं या जो हमारे वैदिक मंत्र है या हमारे जो इंडिया में बहुत सारे स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उसके ऊपर, तो मार्केट आजकल हो गई है ख़राब। तो अलग अलग रेट में आपको अलग अलग चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं और हम लोग देखिए बहुत समझदार हैं, हमें पता है कि क्या फेक है और क्या जेन्युइन है। तो मैं चाहती हूँ कि आप वर्कशॉप को भी ज्वाइन करें और आगे सिखाएं और सॉल्ट आप खुद बनाएं, जैसे मनी सॉल्ट है, सक्सेस सॉल्ट है, प्रोटेक्शन सॉल्ट है, अलग अलग तरीके के सॉल्ट हैं जिसका पोस्टर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो आप आगे भी सिखाएं, आगे आप इसको एक छोटे से अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज के साथ लोगों को हेल्प करें, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर में ही इतने लोग होते हैं जो परेशान होते हैं, आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं। तो जो लोग काम करना चाह रहे हैं आगे, तो मैं उनके लिए वर्कशॉप कर रही हूँ कि कुछ लोगों के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता और कहीं ना कहीं कोविड ने हम सबकी लाइफ को बड़ा उथल पुथल कर दिया है। तो ये वर्कशॉप मेरी ऐसी रहेंगी जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप मुझसे 50 बार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप आगे सिखा सकते हैं। अगर आपसे कोई सीख रहा है, आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो मैं उसमें आपकी पूरी हेल्प करूँगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट मंथ से हमारी वर्कशॉप रहेंगी और वर्कशॉप से रिलेटेड क्वेरीज के लिए भी आप हमें पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं राखी की, क्योंकि अब राखी आ रही है पहले, ठीक है। तो अब क्रिस्टल राखी है, तो क्रिस्टल भी मेरे पास 2-3 मैसेज आए थे व्हाट्सएप पर कि मैम क्रिस्टल ना बड़े रीजनेबल मिल रहे हैं। देखिए जब हम सोना या चांदी पहनते हैं, ये जो है ना ये गोल्ड नहीं है, सस्ता पड़ा है काफ़ी, लेकिन सोने की कीमत सोने की होती है, चांदी की होती है और क्रिस्टल्स की होती है। तो जेन्युइन चीज़ अगर आप खरीद रहे हैं उसका थोड़ा बहुत आपको पे करना ही पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, 90% आई थिंक चाइनीज़ प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहे हैं, काफ़ी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और लोगों को फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा, फ़ायदा नहीं, जब प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, जेन्युइनिटी की इशू आती है। हाँ, जेन्युइन अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे, है ना, अब जैसे अगर मैं छोटी सी बात करूँ, कपूर आजकल देखिए कोई भी फ्रेग्रेंस है, कुछ भी है, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी अंदर जब सांस के थ्रू जाती है तो वो हमें प्रॉब्लम भी कर सकती है, हेल्थ इश्यूज बढ़ सकती है। हाँ, आजकल जैसे अरोमा ऑयल सब लोग बहुत यूज़ करते हैं,
लेकिन जेन्युइन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत कम जिनको नॉलेज है वो पकड़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या मिलावट है। तो ऐसे ही क्रिस्टल्स हैं, हर चीज़ में मिलावट है, छोटी से छोटी किचन से किचन की चीज़ से लेके गोल्ड में भी बहुत सारी मिलावट है। तो ऐसे जो मेरे पास दो चार मैसेज आते हैं कि मैम जो आप 500 का दे रहे हैं वो आगे 300 का मिल रहा है, तो आप अगर 300 का खरीदेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं 12-15 साल मुझे हो गए हैं, मेरे को एक्सपीरियंस है एक एक चीज़ का, मुझे पता है मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और हम लोग तो मैन्युफैक्चरर हैं, हमें एक एक चीज़ का हाथ में लेते ही पता चल जाता है कि क्या चीज़ जेन्युइन है, क्या आपको फ़ायदा करेगी क्या नहीं करेगी। इवन अभी भी मैंने अपने जो वीडियो हैं उसमें थोड़े बहुत रिव्यूज़ डाले हैं, हालांकि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, बट फिर भी क्योंकि एक ना ट्रस्ट की बात होती है, मैं चाहती हूँ आप लोगों का ट्रस्ट जो है वो पूजा पाठ और स्पिरिचुअल चीज़ों में बना रहे, तो वही है जो दिखता है वो बिकता है। तो इसीलिए थोड़े से मैंने रिव्यूज़ भी शेयर किए हैं, आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। वहाँ पे जो जेन्युइन फ़ायदा हुआ जिन लोगों को, उन्होंने मुझे खुद शेयर किया कि पोया मैम आपसे हमने कोई चीज़ ली और उसका हमें फ़ायदा हुआ है, या हमने वो चीज़ पहनी उसका हमें फ़ायदा हुआ ही हुआ है। कल भी हमारा जीबू सिंबल जो कॉइन है वो गया है मुंबई, और मैंने कहा ठीक है आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा, तो फ़ोन पे ही बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा मैम मैं मतलब मुंबई से हूँ और हमें अच्छे लोग थोड़े कम ही मिलते हैं, और आपका जब कॉइन मेरे पास आया तो मुझे कोई उनके 3-4 जगह होगी जो उनको रेंट पर देनी होगी, तो एक आए पूछने के लिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अभी तो आज आपको मिला है, अगले एक हफ्ते यूज़ करिए और मुझे बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर इस तरीके से लोग कॉल करके स्पेशली ये सब चीज़ें मेरे साथ शेयर करते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। हाँ, क्योंकि देखिए अच्छी चीज़ देंगे ना, हम लोग पैसा ले रहे हैं, बहुत नॉमिनल ले रहे हैं, और आप मेरे पास सभी तरीके के लोग आते हैं, हाई क्लास भी आते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी आते हैं। तो पैसा कमाना या ये जो दिस इज़ नॉट माई ब्रेड एंड बटर, ये पता नहीं ईश्वर ने शायद कुछ लोगों को चुना है जिसमें से मैं भी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए जेन्युइनली काम कर रही हूँ। क्योंकि भगवान अगर चुनते हैं किसी को तो कोई भी हो, तो अगर आपको एक जॉब दिया हुआ है ना, उसको थोड़ा सा ईमानदारी से करना चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए ईमानदारी से ही काम करूं, जितना आपको जिस वे में हेल्प कर पाऊं वो हेल्प आपको मैं करूं, मेरी कोशिश यही है। और बाकी अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल राखी की, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा, ठीक है। ये क्रिस्टल राखी है, पहले भी मैंने बात की है, 7 चक्रा राखी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब ये क्रिस्टल राखी मार्केट में इसके रेट आप देख सकते हैं ऑनलाइन, अमेजोन या बाकी और भी जगह पे 600 का भी बिक रहा है, 1100 का, 2000 का, 3000 का, बट हमारे पास जब आप DM करेंगे इसके प्राइस के लिए तो बहुत रीजनेबल है इंक्लूडिंग शिपिंग। तो ये क्रिस्टल राखी है, आपको देख के ही समझ में आ जाएगी कि क्या इसकी एनर्जी है। बहुत सारे रीसेलर्स आए हैं मेरे पास, क्रिस्टल को टच करते ही बोले कि नहीं बहुत अच्छी वाइब्रेशन आ रही है, तो ये सुनना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो 7 चक्र राखी जो है वो आपके ओवरऑल बैलेंसिंग के लिए है। इसी तरीके से एक दो राखी ही मैं आपको दिखाऊंगी, वैसे तो बहुत सारे डिज़ाइन हैं हमारे पास राखी के। ये अगेट है, अगेट की राखी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, लेडीज़ भी पहन सकती हैं और जेंट्स भी। दिस इज़ अगेट, सिर्फ ये जो मोती हैं ये प्लास्टिक में है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि राखी को सुंदर लुक देने के लिए हमें रिंग यूज़ करना पड़ा, अदरवाइज ये बिल्कुल जेन्युइन है अगर आप देख सकते हैं तो। जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर करिएगा, अगर किसी को भी प्राइस पूछना है, क्योंकि जब मैसेज आ रहा है तो उसमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं ना, और क्योंकि डेली हमारे वीडियो और पोस्टर जा रहे हैं तो समझ में नहीं आता है, तो उससे थोड़ा टाइम भी वेस्ट होगा आप लोगों का भी और हमारा भी। तो बेस्ट है कि जो भी मैं आपको ये कुछ 2-4 फोटो दिखा रही हूँ, अगर अच्छा लग रहा है आपने स्क्रीनशॉट लिया और ये हमें व्हाट्सएप किया तो इसकी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये एक अगेट राखी है, बहुत सारी तो अभी सेल हो गई हैं, कुछ बची हैं, ये इस कलर में अवेलेबल है, अगर लेडीज़ को पहननी है तो इस तरीके से पहन सकते हैं, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल है इसका लुक। और ये जो शेप है इसका नेचुरल शेप है, ये नेचुरल शेप है क्योंकि ना इसमें देखो डिज़ाइन ही इसका इस तरीके से है ना, कि इसमें हमने कुछ किया नहीं है, इसका अलग दिखेगा लुक, इसका अलग दिखेगा, ये सेल्फ डिज़ाइन है इसका, ठीक है। तो दिस इज़ अगेट राखी, पहन के बहुत ही अच्छी लगती है।
और कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आप थोड़ा बॉक्स में भी कर दीजिए, यहीं से ही डिलीवर हो जाए, क्योंकि बाहर जो फॉरेन के लोग हैं ना उधर का तो डिलीवरी एक महीने पहले से ही हो जाता है क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। ये गोल्डन कलर में है, बहुत ही डिसेंट है, ये भी अगेट में ही है इस तरीके से। तो पैकिंग के लिए छोटे छोटे बॉक्स हैं इसके अंदर, डायरेक्ट इसमें थोड़ा सा इसको डाल के इस तरीके से हम पैक करके, और पैकिंग तो खैर और अच्छी होगी, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ एक रफ आइडिया कि इस तरीके से छोटे छोटे मिनिएचर हैं जिसमें राखी हम आपकी जहाँ पे भी आपको देनी है वहाँ पैक कर सकते हैं। अदरवाइज राखी के लिए छोटे छोटे क्यूट से पाउच हैं, जिन जिनका राखी का ऑर्डर आ रहा है उसको हम इस तरीके से थोड़ा सा पाउच में करके दे रहे हैं। यहाँ से चावल या रोली हम नहीं दे रहे क्योंकि अपने घर के चावल देने नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग दे रहे हैं बट नहीं देने चाहिए, सिर्फ राखी दीजिए वो बेस्ट है। तो ये पाउच है, तो इस तरीके से आपका ये जो राखी है इसका लुक आएगा। तो ऐसे बहुत सारी और राखी हैं जैसे कि सेवन चक्रा, सक्सेस राखी। अब सक्सेस राखी जिनको ऑब्स्टेकल आ रहे हैं अपने काम में या जो मेहनत कर रहे हैं बट उनको अच्छे रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए सक्सेस राखी है, क्योंकि सिर्फ मैं अभी इसी राखी के बारे में बात करूंगी क्योंकि और भी प्रोडक्ट हैं। सक्सेस राखी में देखिए टाइगर आई है, टाइगर आई आपको फोकस करने के लिए है, जो आप एक एम सेट कर रहे हैं कि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, आपका ध्यान वहीं पे ही लगे। क्रिस्टल आपके माइंड को कूल एंड काम करने के लिए, स्मोकी क्वार्ट्ज है इसमें, सिट्रीन है, सिट्रीन आपके गुरु को स्ट्रांग करने के लिए है, साथ ही में एमेथिस्ट है क्राउन चक्रा के लिए कि जो आप यूनिवर्स को अच्छी अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हैं। जैसे कि हमारा अगर कोई काम नहीं बनता तो हम सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, अच्छे टाइम में तो कम ही करते हैं, जब हम प्रॉब्लम में हैं तो बोलते हैं कि प्लीज़ हमारा काम बना दीजिए। बिल्कुल, तो एमेथिस्ट तो मैं बोलती हूँ हमेशा पहनना चाहिए, किसी ना किसी वे में पहनना चाहिए। आपके कर्मा को क्लियर करने के लिए दिस इज द बेस्ट स्टोन। ऐसे ही वेल्थ राखी है, रिलीज एंगर है, गोमती चक्रा है, मनी राखी है, प्रोटेक्शन है, ये सब आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। कंसंट्रेशन है, बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है कंसंट्रेशन राखी। फिर मनी बिजनेस है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, पीसीओडी, उसके अलावा आपकी थायराइड से रिलेटेड राखी हैं, डायबिटीज से रिलेटेड राखी हैं, तो बहुत सारी राखी हैं जो कि हमारी बन रही हैं और फटाफट आ रही हैं, जा रही हैं, तो राखी हम यहाँ से भी आपका डिलीवर कर सकते हैं। अब ये तो हमने की भाई और भाभी के बारे में बात, जो ब्रदर अपनी सिस्टर को भी या जैसे घर में कोई लेडी दूसरी लेडी को भी गिफ्ट करना चाहती है तो उसके लिए मेरे पास बहुत सुंदर कस्टमाइज कुछ बात कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं क्योंकि ज्वेलरी के बारे में मैंने पहले बात आप लोगों से नहीं की है तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी भी कि ज्वेलरी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है, दिस इज़ कार्नेलियन। कार्नेलियन जो है, जो हमारा रूट चक्र है उसके ऊपर हमारा सेक्रल चक्र है, नाभि से थोड़ा सा नीचे। तो सेक्रल चक्र अगर हमारा वीक है तो कॉन्फिडेंस कम होगा, या फिर जिन लेडीज़ को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, अगर डेट हो रही है उनको पेन हो रहा है या बैक एक हो रहा है या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, यंगस्टर जैसे यंग गर्ल्स हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कार्नेलियन या तो ब्रेसलेट पहन ले, कार्नेलियन आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। कार्नेलियन आपके जैसे बहुत ज़्यादा टाइम अगर हम एक जगह बैठे रहते हैं तो क्या होता है कि पेन होता है, यहाँ स्ट्रेन आ जाएगा या बैक एक हो जाएगा, या ओल्ड एज में जैसे लेग्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, बोन वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो कार्नेलियन बहुत अच्छा हम लोग मानते हैं। मैं भी पहनती हूँ, मुझे इसका कलर बहुत पसंद है एक्चुअली, ऑरेंज कलर, इसलिए मैं पहनती हूँ। तो कार्नेलियन में इस तरीके से आप ज्वेलरी पहन सकते हैं, जैसे कि अगर आपने ऐसे पहना तो ये लुक आएगा इसका, ठीक है। तो आप कंबाइन भी कर सकते हैं राखी के साथ में कि हमने आपको यहाँ से इस तरीके का ज्वेलरी के साथ में भी आपको ये कॉम्बिनेशन दे दिया। बहुत ही ये ब्यूटीफुल है, ये पूरा जेन्युइन क्वालिटी क्रिस्टल है, ट्रिपल ए क्वालिटी क्रिस्टल है। तो इसका आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको आपका जो सेक्रल चक्र है उसमें आपको बहुत फ़ायदा करेगा। जो भी मैं ज्वेलरी अभी बना रही हूँ उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे अब
कुछ लोग को हम बोलते हैं ना जैसे नीलम नहीं पहनो, या पर्टिकुलर एक डेट के हिसाब से कि पन्ना पहनना चाहिए, या जैसे मैंने पुखराज पहना है अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या मैंने माणिक पहना हुआ है। तो हर एक को जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चों को इतने सारे तो नहीं पहना सकते हम लोग स्टोन्स वगैरह, तो क्रिस्टल ज्वेलरी के फॉर्म में आप पहना सकते हैं। और आजकल तो मेरे सुनने में आ रहा है कि सीरियल वगैरह में भी, मैं देखती नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन क्रिस्टल ज्वेलरी बहुत ट्रेंड में है, लोग पहन रहे हैं, तो मैं सोच रही एक आध देख ही ले कि कैसी ज्वेलरी है। बट ये तो मेरे खुद के डिजाइन है कि जो ठीक है इंट्यूशन आया वैसा हमने बना दिया। तो ये बच्चों और बड़ों को ध्यान में रख के इस तरीके से ये छोटे छोटे सेट हैं जो दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं अगर आप पहनते हैं तो, और फायदा भी करेंगे। अभी राखी कॉम्बिनेशन में जा रहा है, हाँ राखी, तो में बहने वो अपनी राखी भी ले सकती हैं और सेल्फ गिफ्ट भी करवा सकती हैं। सही बात है। ये बहुत डिमांड में था, ये मैंने एक लाइव में पहना था, इसका मेरे पर बहुत अच्छा फीडबैक आया। इसमें भी स्टोन्स यूज किए हुए हैं, जैसे कि टाइगर आई है, आपका ग्रीन एवेंचरिन है और ब्लैक टर्मलिन है, तो ये पूरा इस तरीके से सेट है। तो ये देखते ही मतलब इतना अच्छी वाइब्रेशन आती है। कुछ लोग सेवन चक्रा पहनते हैं, जैसे मतलब मुझे पसंद है कि सेवन चक्रा मतलब आपका ओवरऑल बैलेंसिंग। तो ये सेवन चक्रा माला है, इसको हम फोल्ड करके भी यूज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं। हाँ, सेवन चक्रा ब्रेसलेट के साथ भी आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि इसमें आपके मोस्टली जो है रेड जेस्पर है, सिट्रीन है, ग्रीन जेड है, क्रिस्टल, एमेथिस्ट, कानेलियन, इसके बाद में आपका, हाँ ये सारे ही आपके चक्रा जो हैं उसके सारे स्टोन्स इसमें हैं। लैपिस लजूली, लैपिस आपके थ्रोट चक्रा के लिए, जिनको आजकल थायराइड के बहुत सारे इशू आ रहे हैं। देखिए पता है क्या होता है हर्ष, की कौन सा चक्रा आपका वीक है हमें नहीं पता। अब अगर किसी को सर में दर्द है ना, तो नहीं पता कि किस वजह से है, इमोशनल इम्बैलेंस भी हो सकती है। अच्छा, तो फिर हार्ट चक्रा के ऊपर भी काम करना होता है एज अ हीलर। तो अब जब हार्ट चक्रा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपका ये जो थर्ड आई है, जो आपका ब्रेन है, उससे रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो वो भी कवर हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि सेवन चक्रा पहने। सेवन चक्रा में क्या होता है, सरदर्द है तो सरदर्द को तो ठीक करेगा, सरदर्द का रीजन क्या है, कहीं इमोशनल इम्बैलेंस तो नहीं है, तो फिर यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज और ग्रीन एवेंजरिन है। तो इसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, क्रिस्टल ने आपके सर के दर्द को तो ठीक किया, बट आपने इसने आपके हार्ट को भी बैलेंस कर दिया। अब अगर इमोशनल इम्बैलेंसिंग है, सरदर्द और हार्ट चक्रा तो हो गया कवर, लेकिन कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो बोलते हैं हमें ना वॉशरूम जाना है, कोई भी खराब या अच्छी न्यूज सुनेंगे तो फिर हमारा मणिपुर भी बेकार हो गया चक्रा, जिसको हम सोलर बोलते हैं, उसके लिए हमने ऐड कर दिया सिट्रीन और कार्नेलियन। तो आपका कौन सा चक्रा किस वजह से अफेक्ट हो रहा है ना, तो मैं रिकमेंड करती हूँ सेवन चक्रा हमेशा हमें, चाहे वो ब्रेसलेट फॉर्म में हो या इस तरीके से माला के फॉर्म में हो, यूज करना ही करना चाहिए, क्योंकि रूट कॉज पे क्रिस्टल आपके काम करते हैं अगर हम इनको ढंग से अच्छे से पहन ले तो। मतलब पूरे बॉडी में कहीं भी कुछ भी इशू है, किसी चक्रा देखो क्रिस्टल का काम है, आपको आपकी बॉडी को एनर्जी तो देता ही है, साथ ही साथ में क्लिंजिंग करता है। अब क्लिंजिंग करने के लिए दिस इज द बेस्ट, ये जो बेस्ट क्रिस्टल सेलेनाइट। सेलेनाइट क्या करता है, ये ही एकमात्र ऐसा क्रिस्टल है कि क्लीन भी करता है, अच्छा, प्रोटेक्ट भी करता है, चार्ज भी करता है। और जिनको नींद आने का इशू है, या जैसे बहुत सारा स्ट्रेस होता है, जैसे हमारी लाइफ में बड़ा स्ट्रेस है, दिखता नहीं है, हंसते रहते हैं, बट इतने सारे लोगों का काम कर रहे हैं, इतने सारे पेशेंट की हीलिंग कर रहे हैं, और नेगेटिव एनर्जी से ज्यादा ये होता है हर्ष की, एक ना अपनी फैमिली की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी केयर करना है, लेकिन जब ऐसे केसेस आते हैं कि कोई वेंटिलेटर पे है, और कोविड के टाइम पे हमने बहुत सारे लोगों को घर भेजा ठीक करके, हाँ, तो वो आपकी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि कोई आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, भगवान के ऊपर भी नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं नहीं इनसे बात करके शायद हमारे घर के लोगों का जो हॉस्पिटलाइज है उनका अच्छा हो जाए। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि पूरा अपडेट लेना, पूजा पाठ का पूरा देखना, हीलिंग का देखना, कुछ लोगों का रेकी में साइकिक सर्जरी होता है, बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें साइकिक सर्जरी करना होता है। तो मतलब बहुत सारे तरीके से हीलिंग होती है, क्योंकि
हीलिंग का ना अपना कुछ ऐसा एंड नहीं है कि कहाँ पे एंड हो रही है, बहुत सारे तरीके से हीलिंग कर रहे हैं, लिमिटलेस है ये चीज़। हाँ, तो अब उसमें क्या होता है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेलेनाइट मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि क्लीनिंग, चार्जिंग, प्रोटेक्शन, ये तीनों ही काम करता है। मेरी जो दीदी आती हैं घर में 5-6 साल से जो आ रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम था, उनको स्ट्रेस भी था क्योंकि थोड़ा घर में किचपिच चलती रहती है। तो मैंने उनको सेलेनाइट दिया, अभी भी उन्होंने पहना ही हुआ है क्योंकि उन्होंने बोला आप, तुमने भी पहना, दिखाओ ये देखिए, ये हर्ष ने भी पहना हुआ है 7 चक्रा के साथ में सेलेनाइट। तो इसका मुझे भी काफी फायदा हुआ है इससे। हाँ, मैंने इनको बोला था कि एक रिव्यू कर देना अपना कि कैसा लगा, अभी तक नहीं आया तो ये अभी बता रहे हैं। तो क्रिस्टल का तो डेफिनेटली फायदा है। तो ये बहुत ही, मतलब ये मैंने 6 mm में अपने लिए माला बनवाई है इस तरीके से, बहुत ही इसका ब्यूटीफुल लुक है। तो ये भी आप कॉम्बिनेशन में पहन सकते हैं, पहनना ही चाहिए। इसके बाद कुछ जो बच्चे हैं जो कॉलेज गोइंग है, या जैसे आप कोई ड्रेस कैरी कर रहे हैं उसके लिए, ये तिब्बतन ये बीड्स हैं, ये भी जेन्युइन आपके जो बीड्स हैं वो हैं, इससे आप इसको इस तरीके से पहन सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है ड्रेसेस के ऊपर। इसके अलावा रोज क्वार्ट्स, हार्ट चक्रा के लिए स्पेशली, तो ये रोज क्वार्ट्स में इस तरीके से ये जो सेट है ये है। साथ ही साथ में एक आध और इसमें दिखाते हैं, जैसे किसी ने ये ऑर्डर किया था मुझे इस डिज़ाइन में साड़ी वगैरह के साथ में, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो लुक भी बहुत ब्यूटीफुल है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में हमारे पास अवेलेबल है। देखिए यहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें ना ऐसे। तो ये इसका लुक है, बहुत ही सुंदर है। ऐसे बहुत सारे हैं अभी नेकलेस, वो भी आप ट्रेजर जेम्स का लिंक दिया है, ट्रेजर जेम्स बाय पोएम डालमिया जो हमारा पेज है, आप वहाँ जाके सारी ज्वेलरी देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारी है। मतलब वीडियो मैं नहीं चाहती इतना लंबा हो जाए। ये देखिए, तो ये सारे डिज़ाइन आपको वहाँ पर हमारे पेज पर मिल जाएंगे। ये एमेथिस्ट में, एमेथिस्ट तो मुझे बहुत पसंद है वैसे भी। ये देखिए, ये बिल्कुल नेचुरल है, मतलब हमने इसमें ना कुछ भी नहीं छेड़ा है। ये देखिए इसका डिज़ाइन, ये सेल्फ डिज़ाइन है, ये इतना ब्यूटीफुल ये सेट है, पहन के बहुत ही प्यारा लगता है ये। मैं आपको थोड़ा सा मतलब इसमें ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए। ये भी बिल्कुल नेचुरल है, हर ड्रेस के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं, बच्चे या बड़े आराम से इसको पहन सकते हैं। ये अगेन आपका एमेथिस्ट आ गया। ये सारे क्रिस्टल्स न्यूट्रल है, मतलब किसी को कुछ दिक्कत नहीं, सारे जितने भी लोग हैं वो पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे को अभी है तो बोल रहे हैं, जेंट्स भी बोल रहे हैं कि हमारे लिए कुछ है, वो मैं थोड़ा सा प्लान कर रही हूँ कि उनके लिए क्या किया जाए, बट कोई भी पहन सकता है इसका, बहुत इफेक्टिव है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये टर्किश ईवल आई है, ईवल आई भी मार्केट में फेक मिल रही है, तो दिस इज जेन्युइन ईवल आई, ये मैं बहुत पहनती हूँ। अब इसके साथ में थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ कि हम क्या और ऐड कर सकते हैं। अब ये बने बनाए पूरे सेट हैं, अगर हम इसकी बात करें, ये देखिए ये क्रिस्टल के साथ में आपका ग्रीन एवेंचुरिन है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये भी। तो कुछ लोग इस तरीके से कंबाइन भी करते हैं कि हमें इयररिंग भी चाहिए और साथ में हाँ नेकलेस भी चाहिए। ये वही मैं एमेथिस्ट की बात कर रही थी, ये आपका एमेथिस्ट में हो गया। ये सारे डिज़ाइन हमारे आपको जो पेज है वहाँ पर मिल जाएंगे। अब कॉम्बिनेशन में आप इसके साथ में ये ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपने अगर ज्वेलरी ली तो उसके साथ में ये पेंडेंट हो गया। अभी हमने राखी की बात की थी जो अगेट राखी थी, तो ये अगेट स्टोन में इस तरीके से इयररिंग जो हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं पहनकर।
इसका इस तरीके से लुक आता है, बहुत ही सुंदर लगते हैं पहनकर। ये सारे डिज़ाइन ना आपको मिल जाएंगे, जो मेरा पेज लिंक है आप थोड़ा सा वहाँ चेक करिएगा, वहाँ पे मिल जाएंगे। अब ऐसे ही ये हमारी फिंगर रिंग हो गई इस तरीके से, स्टोन में है ये भी, तो ये पहन के आपको कुछ और पहनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर है ये रिंग, ये देखिए। तो ये आप नेकलेस के साथ में इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। मुझे प्लीज बताइएगा मैसेज करके, फिर हर्ष मुझे बताएंगे किस किस का मैसेज आया कि आपको ये कलेक्शन कैसा लग रहा है, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। और किस बारे में वीडियो हमें करना चाहिए, जैसे कि रेमेडीज के बारे में, क्योंकि आजकल सबके घर के डायरेक्शन, क्योंकि फ्लैट में रह रहे हैं तो किसी का भी डायरेक्शन उतना सही है नहीं, परफेक्ट है नहीं। चाहे आप कितना भी दिखा लें घर, कोई भी कर लें, कुछ भी कर लें, किसी का वॉशरूम गलत होगा, किसी का मंदिर गलत होगा। तो अगर आप उससे भी रिलेटेड इजी रेमेडी चाहते हैं जिसके कोई चार्जेस नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि वैसा भी कुछ हम वीडियो करें, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। ये भी बहुत प्यारी रिंग है, एमेथिस्ट, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से जो रिंग है, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी रिंग पहनी हुई है, तो ये इसका लुक आएगा टर्टल में, दिखा देती हूँ आपको। तो ये भी ना आप एज अ गिफ्ट बच्चों को ही गिफ्ट कर सकते हैं, ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये 6 mm में ये जो बीड्स हैं ये ऐड हुए हैं, छोटे से ये चार्म है टर्टल उसके साथ में, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है पहन के। ऐसे ही और भी बहुत सारे रिंग हैं, अब जैसे ये है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये प्योर क्रिस्टल में ही है इस तरीके से। तो ये पता नहीं मैं क्यों डिज़ाइन कर रही हूँ, ऐसे ही मेरे दिमाग में आया तो मैंने कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था इतना अच्छा फीडबैक मिलेगा इसके। रिस्पांस बढ़िया आया, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लोग एग्जीबिशन में हमसे लेके लगा रहे हैं, हम लोग तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, एक ही जगह बैठे हैं, बट अच्छा लग रहा है कि हमारी ज्वेलरी लोग पसंद कर रहे हैं। ये देखिए ये कार्नेलियन में है, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका लुक है इयर रिंग, और कार्नेलियन जैसे मैंने आपको दिखाया नेकलेस, तो आप कॉम्बिनेशन में ये कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा ये। जैसे इस तरीके का हो गया, साथ में इस तरीके का आपका कॉम्बिनेशन हो गया, तो पूरा सेट भी हम लोग बना के दे रहे हैं। ये ग्रीन एवेंचर में है इस तरीके से, इसके पेंडेंट भी बहुत जल्दी मेरे पास आने वाले हैं, तो ये आपका हो गया ऐसा। इसके साथ आप कंबाइन कर सकते हैं इस तरीके के नेकलेस को, हाँ ये वाला ग्रीन वाला, ये देखिए। तो ये बहुत ही ना, मतलब मुझे तो पता नहीं बहुत सुंदर लगता है, क्रिस्टल बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपका नेकलेस हो गया, सिंपल और डिसेंट है, इसके साथ आप ये भी कंबाइन कर सकते हैं इस तरीके से, तो इसका लुक बहुत अच्छा है। ये भी कर सकते हैं वैसे, जो भी समझ में आए, कुछ लोग कंट्रास्ट भी पहनते हैं। फिर ये स्टोन में आपका ये भी हो गया, अच्छा ये यहाँ से खुल के पहना जाएगा। तो ये सारे जितने भी और भी बहुत सारे हैं, वो आप एक बार प्लीज़ पेज फॉलो करिएगा, या वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ कैंडल्स की बात की थी FB लाइव में, फेसबुक लाइव में, इंस्टा पे वो रह गया था, तो मैं थोड़ा सा कैंडल्स भी आपको दिखा देती हूँ। कुछ लोग राखी के साथ में, क्योंकि सॉल्ट लैम्प की मैं बात करती हूँ या कैंडल्स की बात करती हूँ, तो सॉल्ट लैम्प आपको बहुत हेल्प करते हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग, और आजकल सॉल्ट लैम्प से रिलेटेड आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कि हेल्थ में आपको फ़ायदा कर रहे हैं, आपके घर का वास्तु है, तो उसको भी बैलेंस करने में सॉल्ट लैम्प आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, या और भी 50 तरीके के जो इश्यूज़ हैं, सॉल्ट लैम्प या आप कैंडल्स अगर यूज़ करते हैं तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट देखने के लिए आ रहा है। तो ये जो है ये हमारी कुछ कैंडल्स हैं, इसके अंदर टी लाइट कैंडल आजकल मार्केट में अवेलेबल है, 4 घंटे 2 घंटे के हिसाब से जो कैंडल चलती हैं। अच्छा, हाँ 8 घंटे के हिसाब से, वो डेकोरेशन पर्पस के लिए हो गया, मतलब वो वैक्स उसका ऐसा होता है कि 2-4 घंटे आपका कैंडल आराम से जल रहा है। तो ये कैंडल भी आप यूज कर सकते हैं अपने घर में, अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो उनका भी इससे डेफिनेटली फायदा होगा। तो राखी के साथ में आप इस कैंडल को भी कंबाइन करके दे सकते हैं।
कुछ ऐसा दीजिए या कुछ ऐसा मतलब लोगों के साथ में शेयर करिए जिससे कि मल्टीपल बेनिफिट हो। तो पैसा तो हमें खर्च करना ही है, मेरी कोशिश है कि थोड़ा इस तरीके से खर्च कर लें कि आपका पॉकेट फ्रेंडली हो, आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो, लेकिन आप कोई चीज़ खुद पहन रहे हो या किसी को दे रहे हो तो उसका उसको फ़ायदा होना चाहिए। तो ये सॉल्ट कैंडल है, इसके अंदर मैंने अभी अभी लाइट ऑन है तो दिखेगा नहीं उतना। ये देखिए इस तरीके से ग्लो कर रही है, बहुत ही प्यारी कैंडल है। इसको आप अपने रूम में भी रख सकते हैं, इसको आप अपने मेन एंट्रेंस में, मैं बोलती हूँ ज़रूर सॉल्ट लैम्प या कैंडल का यूज़ करना चाहिए। कुछ लोगों का वॉशरूम थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में होता है तो वो लोग भी इस कैंडल को यूज़ करते हैं। साथ ही आप इसमें कोई भी अरोमा ऑयल या आप इसके अंदर कैम्फर भी ऐड कर सकते हैं तो इस ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो इस तरीके के डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल हैं क्योंकि आजकल नेचुरल कैंडल्स जो है वो ट्रेंड में है। मैं ज़्यादा कैंडल में भी कटिंग वटिंग कुछ नहीं कराती हूँ, इसका जो लुक है अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन में जा रहा है राखी के साथ में एज अ गिफ्ट हैम्पर। इसमें जैसे कुछ लोग स्क्वायर शेप पसंद करते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में बहुत हमारा चलता है कि कुछ लोग को राउंड शेप पसंद है, तो ये अलग अलग शेप में अवेलेबल हैं। कुछ इस तरीके से हैं कि यहाँ पे आपके दो कैंडल आ जाएंगे। तो ये सारे जो भी अच्छा, हाँ सॉल्ट लैम्प एक आध दिखा देते हैं इस वीडियो में क्योंकि कुछ नए लोगों ने भी ज्वाइन किया है। सॉल्ट लैम्प भी मिनिएचर मैंने डिजाइन किए हुए हैं, मिनिएचर में देखिए इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है। ये भी राखी के साथ एज अ कॉम्बो हमारे सॉल्ट लैम्प जा रहे हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में काफी डिजाइन इसके दिखाए हुए हैं पहले भी, लेकिन जो लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को ये थोड़ा सा उनके लिए है। इधर शिवन दिखाओ, या ये भी लैम्प के अगर आप किसी को भी डिजाइन देखने हैं डालमिया पोयम पेज पर या जो भी हमने लिंक दिया है उस पर आपको मिल जाएगा। देखिए बहुत ही सुंदर लैम्प है, मतलब ये आप कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं इस तरीके से। बाकी जितने भी डिज़ाइन है हमारे कितने हैं, 50-60 फोटोज गए हैं, 15-16 जो हैं वो हमारे फोटोज जो हैं वो ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं फेसबुक पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टा पर, तो वहाँ पे भी आप इनको चेक कर सकते हैं ये डिज़ाइन। तो ये कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा है, इसका हमारे पास फीडबैक आ रहा है। और इसका गिफ्ट रैपिंग भी दिखा देते हैं, ये वाला ना, इसकी रैपिंग भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये बॉक्स रहेंगे इस तरीके से और राखी के लिए आपके इस तरीके के बॉक्स रहेंगे अगर आप चाहते हैं, वरना प्लेन पाउच में आपका राखी इस तरीके से आएगा। ब्रेसलेट भी वैसे हम इन्हीं पाउच में देते हैं क्योंकि ये आप रीयूज कर सकते हैं, ये वेलवेट पाउच है, कुछ लोग अपने लॉकर में भी रख लेते हैं। इसमें कुछ मैं एसेंशियल ऑयल भी डाल के देती हूँ जिससे कि और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले जो भी हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें। बाकी वर्कशॉप हमारी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रही है, वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आप मेरे पेज पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जो रीसेलर्स हैं, थोड़ी सी एक मिनट में उनके लिए बात कर लेते हैं, जो आगे एग्जीबिशन करना चाह रहे हैं या जो हमसे और अच्छे प्राइस में सामान लेके आगे देना चाह रहे हैं तो वो भी हमसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोग कॉम्बिनेशन में चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें, जैसे बहुत सारी राखी मैंने तो 8-10 डिज़ाइन तैयार किए थे राखी के, लेकिन जब मेरे पास कॉल्स आए कि मैम डायबिटीज़ के लिए अगर कुछ हो सकता है कि भाई ऐसे तो नहीं पहनते हैं तो या आप उसमें कुछ कर सकते हैं, तो मैंने उसमें कुछ बीड्स ऐसे ऐड कर दिए जो जिनको डायबिटिक इशू है वो उसमें उनको हेल्प करें। कुछ लोगों का क्या मतलब 80% लोग ऐसे हैं जो गरम रहता है दिमाग तो उन लोगों के लिए हाँ, अब क्रिस्टल क्या है ना, हर कोई थोड़ा सा मेल जो है उनको लगता है कि क्या पहना दिया करके, तो लड़की टाइप लगता है वो। हाँ तो फिर मैंने राखी में ही उसको कर दिया कि ये जो है ना रिलीज एंगर, तो राखी के दिन तो देखिए पहनना पड़ेगा जो बहन बोलेंगी सीधी सी बात है तो ये गुस्से को थोड़ा शांत करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए। मौली में है ये, मौली वैसे ही शुभ मानते हैं हम बहुत,
तो इस तरीके से आपका जो राखी है, जिनको भी एंगर इश्यूज है ना, ये उसको रिलीज करने के लिए सुंदर तो है ही, जेन्युइन क्रिस्टल है, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। मौली का धागा है जो अपने आप में बहुत ऑस्पीशियस है, तो ये आप अगर पहनते हैं या किसी को पहनाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। ऐसे ही बच्चों की कंसंट्रेशन के लिए, पढ़ाई हो गया, एग्जाम्स हो रहा है, बच्चे आजकल उनको मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, गैजेट्स चाहिए, तो थोड़ा सा पढ़ाई के टाइम पे तो पढ़ाई करें। हमारे भी बच्चों का वैसे यही हाल है, लेकिन हाँ जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और प्राउड होता है कि ठीक है हमारी परवरिश अच्छी है अपने बच्चों के लिए। तो थोड़ा उनके लिए भी ध्यान में रख के कॉन्सेंट्रेशन राखी हमारे पास है, जिसमें बच्चों को ध्यान में रख के वो बीड्स ऐड किए हुए हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स आपको नुकसान नहीं करेंगे। अगर प्रॉपर वे में हम क्रिस्टल यूज़ कर लें तो उसका आपको मल्टीपल बेनिफिट होगा। तो बच्चों की भी एनर्जी को स्ट्रांग करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए, साथ ही साथ आजकल ना बड़े तो प्रैक्टिकल हो ही रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, तो सही संस्कार भी थोड़ा सा हम उनको दें। तो क्रिस्टल, अगर मैं एमेथिस्ट की बात करती हूँ, तो आपको ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली कनेक्ट कर देता है। अच्छा। और अगर मैं क्लियर क्वार्ट्ज की बात करती हूँ, तो माइंड को कूल एंड काम रखने के लिए। अगर अब इमोशनल बैलेंसिंग की अगर हम बात कर रहे हैं अच्छे संस्कारों की, तो दिल भी अच्छा होना चाहिए, सोच तो अच्छी होनी चाहिए। तो रोज क्वार्ट्ज और ग्रीन एवेंजरिन आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब मैंने वही किया है कुछ कॉम्बिनेशन की, जो भी पहने बच्चे या बड़े वो आपको जरूर, मतलब उनको फायदा हो इस चीज का। कस्टमाइज तो कर ही दी, लेकिन इस बार मैंने सोचा राखी के साथ में थोड़ा ज्वेलरी भी ऐड कर दें, क्योंकि देखिए मैं क्रिस्टल से अलग नहीं हट सकती। मेरे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैम आप हमारा प्रमोशन कर दीजिए अपने प्लेटफॉर्म पे, चांदी की राखी ले लीजिए। क्रिस्टल या स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स ही मेरा फील्ड है, हीलिंग ही मेरा काम है, उससे रिलेटेड मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ही फील्ड से रिलेटेड आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा लेके आऊँ, जिससे कि मेरे भी कर्मा बैलेंस हो, आप लोगों को भी हेल्प हो, और हम लोग इस तरीके से आपस में, मतलब सही सही तरीके से कनेक्टेड हूँ। तो आप लोग मेरी फैमिली हैं, मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हम लोगों का कनेक्शन स्ट्रांग रहे। जेन्युइन कॉल्स में हमेशा बोलती हूँ इनवाइटेड हैं। अभी भी हमने अपनी लास्ट पोस्ट को बूस्ट किया तो 700-800 कॉल मेरे पास दो दिन में आए, जिसमें 480 लोगों को ब्लॉक किया गया। ऐसे काम ना करिए, जो लोग देख रहे हैं गलत इंटेंशन के साथ में, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, हमें सिर्फ रिपोर्ट एंड ब्लॉक करना है। मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि भगवान की कृपा से मुझे आप लोगों की किसी भी हेल्प की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे लिए काफ़ी हैं। लेकिन कुछ लोगों को फ्यूचर में अगर अपनी फैमिली को लेकर या फ्रेंड्स को लेकर या मुझसे अगर जो मुझे नॉलेज है उससे रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, तो पहले ही हमने ब्लॉक कर दिया है, तो फिर आप कहाँ बात करेंगे। तो हमारा काम है हीलिंग, हम आपकी हेल्प के लिए हैं, हमसे जितना अच्छा हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। स्पेशली मैं तो टीवी भी नहीं देखती, मैं सिर्फ मेरे घर में 1.5 घंटा सुबह माँ वैष्णो देवी का जो आता है श्रद्धा टीवी, वो चलता है, और शाम को इसके अलावा मैं 5 मिनट हेडलाइंस जरूर देखती हूँ, सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि उसके बाद सब बेकार होता है, कि मुझे देश और दुनिया की भी खबर पता चल जाए कि आसपास क्या चल रहा है। इसके अलावा सिर्फ मैं आप लोगों का काम करती हूँ पूरे दिन, फैमिली का काम करती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ, यही मेरा सोशल लाइफ है, यही सब कुछ है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है जब उल्टे सीधे कॉल आते हैं या मैसेज आते हैं, मुझे लगता है कि कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्यों कर रहे हैं इतना अच्छा हम दूसरा, क्योंकि अच्छे भाव से नहीं ले रहा ना। तो थोड़ा सा प्लीज़ एक डिग्निटी को मेंटेन करके चलिए मेरे साथ में, क्योंकि मुझे जो लोग सालों से जानते हैं उनको पता है मैं बहुत प्यार से बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ। तो थोड़ा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि गलत तरीके के उल्टे सीधे मैसेज ना करिए, ठीक है। और अभी रक्षाबंधन आ रहा है, बहुत सारी शुभकामनाएं राखी के लिए। नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं हमसे, घर से रिलेटेड रेमेडी या फिर वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ, या फिर फेंग शुई प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपको मल्टीपल वे में हेल्प करते हैं, या मैं सोच रही थी कि बहुत सारे हर्ब्स हैं, जैसे अभी मैं नहीं बात करूँगी, लंबा हो जाएगा वीडियो, हर्ब्स भी बहुत सारे हैं जो हमारी औषधि होती हैं। तो मैं सोच रही थी धीरे धीरे हर वीडियो में ना आपसे
हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसी बात कर ली जाए जिससे कि आप घर पे बैठ के, अगर मैं आपसे वैसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ फोन पर, या मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे लगा कि मैं अगर अपना लाइव में आपसे कुछ, आपसे आपकी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कुछ ऐसी रेमेडी आपके साथ यहीं से ही शेयर कर दूँ जिसको आप करें और आपको फायदा हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं, किससे रिलेटेड हम बात करें, ठीक है। और थैंक यू सो मच इस लाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, 3 पेज हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, एक बिल्कुल क्रिस्टल ज्वेलरी का अलग पेज है, बाकी स्पिरिचुअल अपडेट और वेलनेस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम और FB पर देख सकते हैं। कुछ भी अगर आप लोगों को बुरा लगा हो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट मेरा काम है अपनी फीलिंग्स को आपके साथ में शेयर करना जो मैंने की। थैंक यू सो मच। और अगर आप कुछ और भी एड ऑन चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी कुछ अच्छा करें तो वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। ये राखी आपके लिए बहुत शुभ हो, ये सावन का टाइम, मतलब भोलेनाथ आप लोगों पर और हमारे ऊपर सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you.